हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन सीएन क्लासेस जी हम कर रहे थे इंटीग्रेशन क्या मस्ट पोस्टमार्टम क्या है आज हम कुछ एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे द एनजी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मजा आएगा और अगर इसकी पूरी की पूरी इंप्लीकेशन जब हम समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आह 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 तो इंटीग्रेशन भी बहुत 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 ईजी है इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कितना सोच समझ के रखा उसको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को याद करते हो मजा तब है जब आप कुछ ऐसा समझो कि कोई भी चीज जब आपके सामने आए तो आप उसको सोच समझ के फटाफट किट 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 कर सॉल्व कर सको आह आहा वरना तो बहुत सारे क्वेश्चन कर करके आप याद करते रहो फ्यूचर क्या है आप भूल जाओगे फ्यूचर क्या है अगर कोई एजुकेशन आप भूल जाते हो तो फिर वो एजुकेशन आप ले क्यों रहे हो समझो आपने इलेवंथ में मैथ्स पढ़ा अकाउंट्स पढ़ा ट्वेल्थ में पढ़ा अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते आते फाउंडेशन इंटर करते करते वो आप साफ हो गया धुंधला धुंधला सा सादे तो फायदा क्या है अगर वो कोर्स आप भूल रहे हो तो फायदा क्या है तो समझो जरा उस चीज पे फोकस करो उस चीज पे ध्यान दो कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए चलो जी फटाफट -फड़ से देखते हैं एनजी पोस्टमार्टम कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कैसे सॉल्व करते हैं चलो तो इंटीग्रेशन में अब एक लॉजिक सीखो आप जरा हमारा बहुत बढ़िया तो एक न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फॉर्म है ठीक है तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अब दो केस बनते हैं पहला तो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है भाई ओके तो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू या तो बड़ी है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के और डिग्री जो हम देखते हैं वेरिएबल की पावर से कंसिडर की जाती है वेरिएबल की एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू है क्या पावर है हमें मतलब नहीं है। सेकेंड केस तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन तो तीन केस बनते हैं भाई या तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी तीन ही केस हैं चौथा तो है नहीं हमने तीनों केस कंसिडर किए तो आप जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शन है आप उसको सोल्व कर रहे हो इंटीग्रेट कर रहे हो तो यह सिचुएशन आपके पास आ सकती है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है अब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर अगर बड़ी और इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के तो मेक न्यूमिरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंड सोल्व हा अब अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर छोटी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो मेक न्यूमिरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड सॉल्व तो न्यूमिरेटर को आप डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के इक्वल बनाओ और सॉल्व कर दो ओहो अब देखो लॉजिक अच्छा ये लॉजिक करने से पहले एक छोटी सी चीज और देखना चाहेंगे हम समझो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज है जैसे 2x एक्स अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस ठीक है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो देखो इसको टीपुट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस वाले पार्ट को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो और इस वाले पार्ट को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो ऐसे कर दो रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो एक्स का डेरिवेटिव इज टू एक्स और वन का जीरो और उसके साथ चिपका दो डी एक्स अब इस वाले पार्ट को अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी इज वन और उसके साथ डी टी चिपका दो जिसको जिस रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा उसके साथ वही लगा दो तो इसका मतलब टू एक्स डीएक्स इज डीटी अच्छा तो फर्स्ट अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं टी बोलूंगा तो टू एक्स को मैं डी टी बोलूंगा अब सब्सिट्यूट करो तो टू एक्स को मैं बोलूंगा डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं बोलूंगा t तो वन बाय एक्स तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log log और t की वैल्यू पुट कर दो आ गया आंसर सब्सिट्यूशन बोलते हैं इसको सब्सिट्यूट करना उसको कुछ पुट करके सॉल्व करना कैसे पता चलेगा क्या करना है कैसे करना है सब पता चलेगा बहुत सिंपल सी चीज है लड्डू बस एक बार मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया बस एक छोटी सी चीज अच्छा तो अब आप देखो एक तो मैंने इंटीग्रेशन किया टू एक्स एक्स स्क् प्लस वन डी एक्स तो इसका आंसर आया लॉक एक्स स्क् प्लस वन प्लस अब इसका मतलब समझो अगर मैं आपको दू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ एफ एक्स तो देखो अगर ये एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं एफ एक्स बोलूं तो टू एक्स उसका डेरिवेटिव है तो नीचे एफ एक्स होना चाहिए ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो आंसर आ जाएगा वाह देखते हैं। तो अगर मैं आपको इंटीग्रेशन देता हूं e की पावर एक्स और नीचे लिख के देता हूं e की पावर x प्लस वन तो अगर मैं इसको एफ एक्स बोलू तो मैं इसको एफ डैश एक्स बोल सकता हूं क्योंकि e की पावर x प्लस वन का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे आप लिखोगे log e की पावर x प्लस वन अह तो ऐसे ही अगर मैंने लिख के दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेर प्लस फाइव और ऊपर में लिख के दू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स तो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है उसका डेरिवेटिव है तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाओ तो दैट वुड बी लॉग ओके okay. ठीक है ठीक है अब आप आओ मैदान में, में. अब मैंने आपको वो तो सिखाया ये ये भी ध्यान रखो आप इज ठीक ठीक है थीक है अब ये वाला लॉजिक का पोस्टमार्टम करेंगे हम तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ओके तो सबसे पहले लेस देन की बात करेंगे आ जाओ लेस देन में तो मैं आपको फंक्शन देता हूं अब देखो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो तो है वन और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो है टू तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है अरे मेरे भाई छोटी है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बना दो ऊपर आहा 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 तो नीचे वाले का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वेयर का टू एक्स फाइव का जीरो तो टू एक्स आएगा तो अगर ऊपर टू एक्स आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो प्लस माइनस जो करना है वो करो अब देखो अब ये फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया तो अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो लॉग और वन बाय टू तो बाहर है ही तो वो तो आएगा ही आएगा तो लॉग आंसर तो अगर न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बना दो ऊपर अह अह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वाह आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि समझो क्या दू थ्री एक्स स्क्वेर प्लस टेन और ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक्स ठीक है तो अगेन न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बना दो ऊपर तो इसका डेरिवेटिव बनता है सिक्स एक्स तो सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स से डिवाइड अब आपको समझ में आएगा किसकी फॉर्म बन गई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो इसका आंसर आ जाएगा वन बाय सिक्स तो बाहर है ही है लॉग एफ एक्स वाह अब अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो क्या करेंगे देखो पोस्टमार्टम बहुत सिंपल सी चीज है देखो जी तो एक्स क्यूब या एक्स क्यूब लेते हैं सिर्फ अपॉन एक्स प्लस वन अच्छा तो एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर ले लो पहले अब न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है डिनोटर से तो जो नीचे है वही ऊपर बनाओ ऊपर एक्स प्लस वन बनाना है अब एक्स प्लस वन बनाना है तो 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 तो, तो अगर मैं इसमें देखो प्लस वन माइनस वन कर दू तो बन जाएगा कैसे बन जाएगा तो एक्स स्क्वे माइनस वन तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन तो प्लस वन अपॉन इतना बचा चलो पहले पूरा लिख के दिखाता हूं कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए इन्होंने मैथ्स कर ही नहीं रखा बिल्कुल भी तो मैंने करा एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन तो माइनस वन भी कर दिया प्लस वन भी कर दिया तो जितना प्लस उतना माइनस करा कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं अब इस वाले पार्ट को एक तरफ और वन वाले पार्ट को अलग कर दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस वन अपन एक्स प्लस वन ठीक है अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस ओके वाह हो गया क्वेश्चन सॉल्व तो ये हो गया कैंसिल अब सिंपल एक्स तो एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन जो भी पावर है उसमें प्लस वन करके और उसमें वन वन का इंटीग्रेशन एक्स क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा प्लस अब अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है ये वन बाय एक्स है वन बाय एक्स है ये क्योंकि अगर आप इसमें से कॉन्स्टेंट आते हो तो देखो वन बाय एक्स बन रहा है तो ये वन बाय एक्स को रिप्रेजेंट करता है वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स दूसरी चीज अगर आप इसको एफ एक्स मानो तो ये एफ डैश एक्स है क्योंकि एक्स प्लस वन का डेरीवेटिव एक्स का डायरेटिव वन वन का डायरेटिव जीरो तो वन ठीक है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉग ही आएगा वो तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी तो एक्स स्क्वेर अपॉन टू माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी इज द आंसर देखो बहुत बहुत बढ़िया चीज है इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आपने लॉजिक सीख लिया इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है बहुत प्यारा लॉजिक है बहुत मस्त लॉजिक है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं ठीक है अब जैसे अगर मैंने आपको दिया लेट एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन फिर न्यूमिनेटर बड़ा है अच्छा तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा है तो क्या करें तो न्यूमिटर अगर बड़ा है तो जो नीचे है, वो ऊपर बनाओ तो एक्स प्लस वन बनाना है आपको अच्छा तो अगेन प्लस वन माइनस वन कर दो लेकिन प्लस वन माइनस वन करने से क्या ये बनेगा क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वन अगर आप करोगे उसके साथ कंसिडर करोगे तो एक्स प्लस वन नहीं आएगा ऊपर अच्छा तो इसमें प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करना पड़ेगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर को एक साथ लो और माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया अब देखो इस वाले पार्ट को मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया पूरा का पूरा सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देता हूं तो इसमें से एक्स स्क्वे अगर मैं कॉमन ले लू तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो गया टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन सी तो आएगा ही आएगा और ये वाला पार्ट मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखाया अच्छा अब x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन अच्छा तो सेम है ऊपर भी एक्स की पावर वन है नीचे भी एक्स की पावर वन है मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है ध्यान रखो तो डिग्री तो सेम है तो जो नीचे है वही ऊपर बनाएंगे तो ऊपर एक्स प्लस वन बनाना है ऊपर तो कैसे बनेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग कर दो x तो प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन तो फोर कॉन्स्टेंट है उसे बाहर रख लो ठीक है तो आह आहा ये बचा वन तो वन का इंटीग्रेशन इज एक्स फोर तो है ही अब वन बाय इसका लॉग तो लॉग ठीक है दो तरीके से मैंने आपको समझाया इसको आप वन बाय एक्स बोलोगे क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो वन बाय एक्स बनता है तो कांस्टेंट को हटा के देख लिया करो कि वो किस फॉर्म से रिलेटेड हो गया वो किस चीज से कैसा दिखता है वो तो वन बाय एक्स लॉग एक्स या फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स भी बोलोगे तब भी लॉग ऑफ एफ एक्स तब भी आंसर वही आएगा लॉजिकली अगर आप साउंड हो तो देखो कितनी भी तरीके से किस तरीके से भी करो आंसर वही आने वाला ऑब्वियस सी बात है तो अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन सोची समझी है कि जो मैंने लिख के दिखाया था आखिर इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूमनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर मतलब ऐसा कोई फंक्शन है भी भी है भी है डिनोमिनेटर तो उसके लिए कैसे सोचने वाले हैं हम लोग और ये चीज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है बहुत जगह यूज होता है और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन आहा चलो जी तो बहुत बढ़िया रूल है एकदम फटाफट से एकदम लिख लो समझ लो कर लो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी ऑन करेंगे देखेंगे क्या क्वेश्चन हैं यार बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय लोग पता नहीं इसमें क्या कराते रहते हैं वो कहेंगे डिवाइड कर दो जैसे वो कहेंगे ना एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन तो इसको डिवाइड कर दो डिवाइड करके जो आ रहा है उसको इंटीग्रेट अरे यार सिंपल सा अपना लॉजिक बना लो ना हमने तो अपना ही लॉजिक बना लिया ये एक अपना ही लॉजिक है हम इस तरीके से करते हैं हम डिवाइड डिवाइड नहीं करते हम इस तरीके से कर देते हैं मिलते नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय तो जरूरी नहीं है कि बुक में अगर किसी तरीके से किया गया है किसी तरीके से लिखा गया है तो वही बेस्ट है अरे ऐसी कैसे हम भी तो कुछ सोच सकते हैं तो हमने ऐसे सोच लिया मिलते नेक्स्ट क्लास में हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन क्लासेस तो क्या मस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन का फटाफट फड़ से क्या कॉन्सेप्ट समझा है क्वेश्चन फड़ देखते हैं उसके ऊपर बेस्ड देखते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन अपॉन एक्स प्लस वन ये मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं इन्होंने भी हमारी तरह ही करा है प्लस वन माइनस वन करके ठीक है लेकिन जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखो इन्होंने देखो न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से ठीक है एक्स क्यूब है नीचे एक्स की पावर वन है ठीक है इन्होंने कहा बाय सिंपल डिवीजन तो इन्होंने क्या करा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को एक्स प्लस टू से डिवाइड किया है हम नहीं करेंगे हम देखो कैसे करेंगे द एनजी लॉजिक एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर देखो एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में एक्स प्लस टू अब मुझे चाहिए कि न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है नीचे डिनोमेटर से तो न्यूमिनेटर और डिनोमीटर इक्वल बनाना है तो यहां पे अगर मेरे को एक्स प्लस टू बनाना है यहां पे एक्स क्यूब के साथ समझो तो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायेयर अगर होगा तो इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तब एक्स प्लस टू बनेगा ठीक है तो टू एक्स चाहिए मुझे आ गया टू एक्स तो इस फाइव एक्स में से टू एक्स अलग कर दो बचा क्या थ्री अरे चल भाई ठीक है जी तो थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री अब ये बचा अब थ्री एक्स स्क्वेयर में क्या होना चाहिए कि प्लस टू बने अब इसको देखो तो थ्री एक्स स्क्वेर के साथ अगर सिक्स एक्स हो तो एक्स कॉमन लूंगा अगर मैं तो x प्लस टू बनेगा तो 6x चाहिए मुझे तो 6x एक्स प्लस और 6x एक्स माइनस तो x क्यूब टू एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स अब मेरे पास क्या बचा माइनस सिक्स और माइनस थ्री तो यहां पे बाहर अगर मैं माइनस का साइन ले लू तो सिक्स एक्स प्लस थ्री ये बचा मेरे पास अपॉन में एक्स प्लस टू तो अब इसमें एक्स प्लस टू बन गया इसमें एक्स प्लस टू बन गया अब इसका बनाते हैं तो सिक्स एक्स तो सिक्स एक्स में प्लस ट्वेल्व करूंगा तो आएगा एक्स प्लस टू तो प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व करना पड़ेगा तो सिक्स कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस टू आ जाएगा तो प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व ठीक है तो ये हो गया अच्छा तो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेर थ्री एक्स स्क्वे प्लस सिक्स एक्स सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और प्लस थ्री भी है अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स अब ये जो माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री है -9. इस माइनस माइनस नाइन नाइन को अलग कर दो बाकी सब अलग अब देखो सिंपल तो इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन लो एक्स प्लस टू इसमें से थ्री एक्स कॉमन लो एक्स प्लस टू और इन दोनों में से सिक्स कॉमन लो एक्स प्लस टू अब ये बनेगा माइनस नाइन लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो प्लस नाइन हो जाएगा और प्लस नाइन और सब में एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू वा तो देखो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा हमारा डायरेक्ट आ गया ये मैंने आपको समझाने के लिए करा, वरना मैं प्लस माइनस पहली स्टेप में सब प्लस माइनस करके देख लेता कहां पे क्या आ रहा है तो आंसर डायरेक्ट लिख देता मैं अगली ही स्टेप में तो ये लो अब एक्स स्क्वेर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय थ्री थ्री एज इट इज अब एक्स की पावर वन है तो वन प्लस वन इज टू अपॉन टू सिक्स अब ये हो गया वन वन का इंटीग्रेशन इज एक्स नाइन तो एज इट इज है अब ये हो गया वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू मतलब एक्स तो वन बाय एक्स लॉग एक्स प्लस सी इज दंसर एक बात ध्यान रखना मैंने आपको पहले ही बताया वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स ठीक है लेकिन वन बाय एक्स स्क्वेर इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है जी तो x की पावर वन है तो लगेगा लॉग तो अब समझो तो वन ओवर x प्लस वन वन ओवर x प्लस फाइव वन ओवर टू एक्स प्लस फाइव ये सब वन बाय एक्स की ही फॉर्म है क्योंकि वेरिएबल की पावर भी वन है और पूरे फंक्शन की पावर भी वन है तो ये वन बाय एक्स ही है तो इसका आंसर हो गया लॉग x प्लस वन प्लस सी इसका आंसर हो गया लॉग टू एक्स प्लस फाइव प्लस सी अपॉन में टू क्योंकि x का जो कोफिशेंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा तो समझो लॉजिक समझो लॉजिक इसमें आपको पता है ऊपर जाएगी ये चीज तो वन बाय ये हो जाएगी x की पावर माइनस टू तो आपको पता है क्या करेंगे तो वन ओवर x प्लस फाइव का होल स्क्वायर या वन ओवर x फाइव की पावर टेन कुछ भी हो तो ये x की पावर m है तो x की पावर m तो जो लॉजिक आप इसके लिए लगाओगे वही इन सबके लिए लगेगा पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं और ऐसी ये हो गया टू एक्स प्लस फाइव की पावर टेन तो आपको पता है माइनस वन के साथ एक कम करना है नाइन ओके okay. और टू एक्स प्लस फाइव की पावर नाइन और एक्स का जो कोफिशेंट है उससे डिवाइड करना है तो माइनस वन बाय एटीन टू एक्स प्लस फाइव की पावर नाइन तो ध्यान दो सोचो समझो पैटर्न को समझो क्या पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है वो पैटर्न समझना ये आपने अभी सॉल्व करना नहीं सीखा है नहीं सीखा है नहीं सीखा है आपने क्या सीखा है या तो इस पैटर्न का हो या इस पैटर्न का मतलब अंदर वेरिएबल की पावर वन हो लेकिन यहां पे अंदर वेरिएबल की पावर वन नहीं है तो अभी जो हम मैंने दो पैटर्न आपको करके दिखाए उन दोनों में से किसी भी पैटर्न से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इसके लिए एक अलग चीज आपको सिखाई जाएगी आहा आहा ठीक है जी तो लॉजिक समझो मैजिक समझो पैटर्न समझो तब जाके आप चैंपियन बनोगे भाई तो देखो यही हमारा आ रहा था तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको ठीक है तो मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूशन का मतलब वही आपको ध्यान हो मैंने पिछली क्लास में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो आपको टी पुट करके दिखाया था तो उसको सब्सिट्यूशन बोलते हैं कोई भी अजीब सी चीज दिखे उसे सब्सिट्यूट कर दो अब देखो जैसे ये है इसको सब्सिट्यूट करने की जरूरत नहीं है देखो डायरेक्ट लॉजिक देखो अब मैंने आपको सिखाया x की पावर m देखो अंदर x x का मतलब अंदर वेरिएबल वन है पूरे फंक्शन की पावर m है तो वहां पे आप इसको यूज करोगे तो x प्लस फाइव की पावर m 2x एक्स प्लस की पावर m हर जगह ये लग जाएगा यही फॉर्म है ये तो फॉर्मूला क्या बनेगा एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन लेकिन अगर एक्स का कोई कोफिशेंट है तो उससे डिवाइड कर देना बस तो एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन ठीक है तो ये सेम ही पैटर्न हो गया तो देखो टू एक्स प्लस थ्री की पावर सेवन तो 2x एक्स प्लस की पावर 7 तो मैंने पहले भी कहा है कि कांस्टेंट्स को हटा के देखो तो देखो x की पावर m दिखती है ये बिल्कुल सही बात है तो 2x एक्स प्लस की पावर 7 है तो ये x की पावर m है तो x की पावर m तो m प्लस वन अपॉन एम प्लस वन और x का जो कोफिशियंट है उससे और लिखोगे तो 2x एक्स प्लस की पावर 8 अपॉन सिक्सटीन तो एक्स प्लस की पावर 8 अपॉन सिक्सटीन तो प्लस सी तो करना ही करना होता है तो ये सब्सिट्यूट करके कर रहा है और हमारे को इतने अच्छे लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी अब ये वाला क्वेश्चन जो है यहां से अब एक चीज देखी जाएगी तो ये इसमें से कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो अभी तक हमने किया है तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस वन तो वो आपको कह रहा है एक्स क्यूब एक्स स्क् प्लस वन का होल क्यूब अब देखा जाए तो न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है क्योंकि अगर मैं इसका क्यूब सॉल्व करूंगा तो थ्री टू एक्स की पावर सिक्स तक जाएगा जबकि यहां पे एक्स की पावर थ्री है ठीक है तो न्यूमिटर की अगर डिग्री छोटी होती है तो आपको पता है क्या करते हैं न्यूमिनेटर को डेरिवेटिव बनाते हैं डिनोमिनेटर के अच्छा अब जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखते हो ना तो उसमें इस पावर को फिलहाल कंसिडर मत करो सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस वन को कंसिडर करो थ्री को मत करो तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होगा टू एक्स तो यहां पे टू एक्स बनाओ जरा आप तो सबसे पहले तो एक्स बनाओ तो अलग अलग लिख दिया मैंने अब टू चाहिए तो डिवाइड बाय टू और मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है तो जरा उसको ऐसे लिख लेते हैं ठीक है तो बन गया अब मैं इसको सब्सिट्यूट करूंगा देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव है टू एक्स तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज टी नॉट डिफ्रेंशिएट तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी तो एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स वन का जीरो और dx टी का विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन और वन इंटू में टी डी टी तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप टी बोलोगे तो टू एक्स डी एक्स को मैं डी टी बोलूंगा टू एक्स को मैं डी टी बोलूंगा और एक्स स्क्वेर प्लस वन को मैं टी माइनस वन बोलूंगा पुट कर दो तो हाफ एक्स स्क्वेयर की जगह मैं लिखूंगा टी माइनस वन टू एक्स की जगह मैं लिखूंगा डी टी और ये हो जाएगा टी तो टी का क्यूब वाओ तो टी का क्यूब हो गया भाई अब हाफ अलग अलग कर दो तो t अपॉन टी क्यूब माइनस वन बाय टी क्यूब अरे तो वन बाय टू तो वन बाय टी स्क्वेयर माइनस वन बाय टी क्यूब डी टी हाफ तो वन बाय टी स्क्वेयर तो वन बाय टी स्क्वेयर को अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है तो आप समझ ही गए हो माइनस वन टू का हो जाएगा वन टी की पावर भी वन माइनस तो इसको इंटीग्रेट करना है तो माइनस वन थ्री का हो जाएगा टू और टी स्क्वेर प्लस सी तो वन बाय टू तो माइनस वन बाय टी माइनस माइनस इज प्लस वन बाय टू टी स्क्वेयर अब टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस वन तो आप चाहो तो अब ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन लोगे तो माइनस वन प्लस वन बाय टू तो दैट वुड बी माइनस वन बाय टू तो माइनस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है जी तो ओके okay. तो इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते थे अच्छा नहीं सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया ये टी स्क्वेयर है ना तो इसका स्क्वेयर है ये सॉरी ठीक है ठीक है वो उसका स्क्वेयर है ओके 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 दिस इज आंसर वो टी स्क्वेयर है है ना तो उसका स्क्वेयर आएगा यहां पे सिर्फ टी है ठीक है तो अब हम यहां तक पहुंच गए हैं अब आप यहां तक एक बार फटाफट से ट्राई करो तो देखो जो भी अजीब सी चीज अगर लगती है तो डेरिवेटिव तो हम उसको सब्सिट्यूट करने वाले हैं सब्सिट्यूट हम जनरली डिनोमिनेटर को करते हैं ध्यान रखना ठीक है तो पहले उसका डेरिवेटिव देख लो और वो डेरिवेटिव बना लो सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व करो इजी पड़ेगा चलो जी बहुत ध्यान से सोचो समझो पैटर्न समझो वन बाय एक्स की क्या फॉर्म है वो एक्स की पावर एम वो क्या फॉर्म है तो पावर एम को अगर अलग कर दू तो अंदर एक्स होना चाहिए मतलब एक्स की पावर वन होनी चाहिए उसके साथ कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है तो वो हम मेनिपुलेट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में उसके साथ है तो जब आप पूरा आंसर करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा उसके साथ बस वो ध्यान रखना आपको चलो फटाफट से तो यहां तक एक बार फटाफट से क्वेश्चन कर डालो सारे प्रैक्टिस लॉजिक सब समझ लो देख लो पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगें Will the next last minute, till then, bye bye.